कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्या मतलब है? सपोज कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसका नाम वन रख देते हैं, दूसरा टू रख देते हैं, ऐसे हम दो तीन कैपेसिटर्स को ना ऐसे जोड़ देते हैं। और जोड़ते किस तरह से हैं? फॉर एग्जाम्पल, दिस वन इज कैपेसिटर नंबर वन, दिस वन इज कैपेसिटर नंबर टू, दिस वन इज कैपेसिटर नंबर थ्री। वन को, अच्छा ये कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट है, इसको मैं राइट प्लेट कह देता हूँ, ये लेफ्ट प्लेट है, इसको राइट प्लेट, ये लेफ्ट और ये राइट। मैं लेफ्ट प्लेट को पहले कैपेसिटर की राइट को दूसरे की लेफ्ट से जोड़ दूँ, फिर दूसरे की राइट को तीसरे की लेफ्ट के साथ जोड़ दूँ। यहाँ पर मेरे पास बैटरी मौजूद है और बैटरी का जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के लेफ्ट के साथ जोड़ दूं, और सपोज के जो राइट टर्मिनल है उसको मैंने बैटरी के राइट टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कैपेसिटर की राइट टर्मिनल से जोड़ दूं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ, पहले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ जोड़ा। ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें एक कैपेसिटर की राइट प्लेट दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ, दूसरे की राइट तीसरे की लेफ्ट के साथ जुड़ी हुई है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब जरा देखिए, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव, ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, आप जानते हैं कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ये उन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लाएगी, बैटरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लाएगी, यहाँ से ले जाकर इनको इसके ऊपर डिपॉजिट करती जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर आएगा। अब ये जो पहली लेफ्ट प्लेट है ये पहली राइट प्लेट के सारे पॉजिटिव चार्ज को टू की तरह पुश कर, सो इस तरह से वन की राइट के ऊपर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर आ जाएंगे। इसी तरह से वन जो थ्री है उसके सारे के, अच्छा राइट पहले ने क्या किया, पॉजिटिव को रिपेल कर दिया और नेगेटिव सारे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए इसमें से चार्जेस। सेकंड की लेफ्ट प्लेट से पॉजिटिव आ गया। अब थर्ड को देखो, थर्ड क्या करेगी, सारे के सारे लेफ्ट प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उनको रिपेल कर देगी और पॉजिटिव सारे अपने पास अट्रैक्ट कर लेगी। अब जरा देखते हैं सारी प्लेट पे ना ऐसा होता है कि चार्ज सेम हो जाता है, तो हम कहते हैं सीरीज में जो चार्ज वन है, चार्ज टू है, चार्ज थ्री है, इन सारों के ऊपर चार्ज डिफरेंट है, सेम है। अब क्योंकि ये सारे के सारे बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो पहले कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ली गई है, दूसरे तो बैटरी का जो वोल्टेज के बराबर होंगे। अच्छा ये अब आपको पता है कि चार्जिंग का प्रोसेस उस तक तक कंटिन्यू रहता है जब तक इन तीनों की जो वोल्टेज का सम है वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर ना आ जाए। हम कहते हैं पूरी चार्ज हो गए, इस वक्त इनकी जो वोल्टेज है तीनों की, उनका जो सम है वो बैटरी की वोल्टेज के बराबर आ गया। दूसरी चीज हमने क्या कहा कि क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू क्यू थ्री इज इक्वल टू क्यू फोर। अब हमें पता है वी इज इक्वल टू, अच्छा ये
एक और भी हमने कैपेसिटर में फार्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल टू सी वी, तो वी किसके बराबर है, क्यू ओवर सी के। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा क्यू ओवर सी, ये आ जाएगा क्यू वन ओवर सी वन, यहाँ पर आ जाएगा क्यू टू ओवर सी टू, यहाँ पर आ जाएगा क्यू थ्री ओवर सी थ्री। अब आपने कहा क्यू वन क्यू टू ये सारे आपस में फैक्टर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू ओवर सी वन, क्यू ओवर सी टू, क्यू ओवर सी थ्री, विच इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री, मैंने क्यू को कॉमन ले लिया, तो क्यू क्यू के साथ कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, वन ओवर सी इज इक्वल टू वन ओवर सी वन, ये आपके पास टोटल कैपेसिटर था सीरीज के केस में। इसका मतलब ये है कि सीरीज में अगर जोड़ेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे एलसीएम ले लूं, तो ये आ जाएगा सी वन प्लस सी सी वन डॉट और जो एलसीएम आएगा वो आएगा सी टू डॉट सी थ्री प्लस सी थ्री डॉट सी वन प्लस सी टू सी थ्री। अच्छा इसको इन्वर्ट कर दे तो ये आ जाएगा ये आपके पास आ गया। अगर आप इन चीजों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस आती है सीरीज में लगाने से, वो जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है ना, उसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी से भी कम होती है, इसलिए सीरीज में कैपेसिटेंस को नहीं लगाया जाता।